संप्रदायवाद के नाम पर आज समाज बटा है। कोई रामानंदी बन गया, कोई संत मत का बन गया, कोई कबीरपंथी बन गया, कोई सदाफल देव का बन गया, कोई निरंकारी बन गया। आपस में धीरे धीरे समाज बट गया। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया। हम भारतीय रह ही नहीं पाए। वैसे तो हम एक इंसान हैं, वैश्विक दृष्टिकोण से हम सब एक इंसान हैं, लेकिन चूंकि हम भारत देश में रहते हैं, इस नाते राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है, तो उस नाते भी कम से कम हम यह तो कह सके कि हम सब भारतीय हैं। तो कोई हिंदू बन के घूम रहा है, कोई मुसलमान बन के घूम रहा है, कोई ब्राह्मण बन के घूम रहा है, कोई क्षत्रिय बन के घूम रहा है, कोई यादव बन के घूम रहा है, कोई साहू बन के घूम रहा है, कोई सिख बन के घूम रहा है। भारतीय कोई बनना ही नहीं चाहता। जिस दिन हम भारतीय बन जाए, जिस दिन हम अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान हो जाए, ये भारत जो खंड खंड में बटा है ये अखंड हो जाएगा। सदगुरु कबीर ये भाव भी जगाना चाहते हैं कि आप संप्रदायवाद के जंजीरों से बाहर निकलिए। जैसे कोई आदमी कमरे में सो रहा है, जरा अनुभव कीजिए, कमरे में सो रहा है, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, पर्दे लगे हुए हैं, और वो कहे कि मेरे पास सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि तुम पागल हो? सूर्य क्या तुम्हारे घर के अंदर घुस के आएगा? अरे तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं, खिड़कियां बंद कर रखे हैं, पर्दे लगा रखे हैं, तो सूरज भीतर आएगा कैसे? अगर तुम चाहते हो सूरज का प्रकाश भीतर आए, तो कम से कम पर्दे हटा दो। और ज्यादा प्रकाश लेना चाहते हो थोड़ा खिड़कियां खोल दो। और ज्यादा प्रकाश चाहते हो तो दरवाजे भी खोल दो। और ज्यादा प्रकाश चाहते हो चारों तरफ की दीवारें ही गिरा दो, पूरा सूरज का प्रकाश मिलेगा। और तुम सब कुछ बंद कर रखे हो और सोचते हो सूरज का प्रकाश नहीं मिल रहा। ठीक इसी तरह से हमने मान्यताओं की दीवारें खड़ी कर रखी है, हिंदू की, मुस्लिम की, ईसाई की, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, ऊंच की, नीच की, हिंदी की, अंग्रेजी की, मराठी की, बिहारी की, चारों तरफ से दीवारें खड़ी है, और हम सोचते हैं सत्य हमारे पास आता क्यों नहीं? हम सोचते हैं प्रेम हमारे पास आता क्यों नहीं? हम सोचते हैं भक्ति हमारे पास आती क्यों नहीं? तो दीवारें तो हमने इतनी खड़ी कर रखी है कि अंधेरे में कहीं प्रेम आएगा, अंधेरे में कहीं सत्य का प्रकाश आएगा। हमने इतना कस के दीवार खड़ा कर दिया है। साहब कहते हैं हिंदू की दीवारें गिरा दो, मुस्लिम की दीवारें गिरा दो, मंदिर मस्जिद की दीवारें गिरा दो, तमाम संकीर्णताओं की दीवारें गिरा दो, भेदभाव की दीवारें गिरा दो, संप्रदायवाद की दीवारें गिरा दो, प्रदेशवाद की दीवारें गिरा दो, भाषावाद की दीवारें गिरा दो। देखना सत्य का सूरज तो है ही, उसे तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। दीवारें गिरेगी कि पाओगे सत्य का सूरज, प्रेम का सूरज तुम्हारे सामने ही है। फिर महसूस होगा कि हम सब तो एक राष्ट्र, इस भारत रूपी राष्ट्र में है, भारतीय है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर जो आपस की जो भेद है वो मिट जाएगी, आपस की जो विषमताएं हैं वो मिट जाएगी, आपस की जो दीवारें हैं वो मिट जाएगी। और अभी तो ऐसी हो गई कि भाई भाई के बीच दीवारें आ गई, तो संप्रदाय की दीवारें तो छोड़ दीजिए, सास बहू के बीच दीवारें आ गई। सतगुरु कबीर कहते हैं नहीं, मैं ये सपना नहीं देखा था, मैं तो ये चाहता था कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज ना कोई। सतगुरु कबीर का उद्घोष है कि मैं तो ये चाहता था कि सब घट मेरो साइया, ये दर्शन आप कर सके कि सबके घट में मेरा साईं, मेरा परमात्मा बैठा है। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं तो ये चाहता हूं कि जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अलह राम का सो गुरु पीर हमारा। वो तो कहते जितने स्त्री पुरुष सब तुम्हारा ही रूप है, किससे विरोध करना, किससे नफरत करना, किससे घृणा करना, ये पूरा देश हमारा है। इसलिए सदगुरु कबीर इस राष्ट्रवाद के भाव को भी जगाते हैं, यद्यपि वो तो पूरे विश्व वैश्विक रूप से संपूर्ण विश्व के दृष्टिकोण से कहते हैं पूरा विश्व हमारा परिवार है। और ये हमारे ऋषियों ने भी कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारे ऋषियों ने भी कहा था ये पूरी धरती परिवार है। लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है तो हमें कुछ रुकना पड़ता है, कुछ झुकना पड़ता है, क्योंकि अगर हम पूरा विश्व परिवार करेंगे कहेंगे तो उसी पूरे विश्व में चीन भी है, पाकिस्तान भी है, और ऐसे दो महामूढ़ को हम अपना परिवार तो नहीं कह सकते। अब जो चीन हमारे बॉर्डर पर खड़े होकर हमें बार बार परेशान करे, जो पाकिस्तान हमें परेशान करे, उसे हम परिवार का हिस्सा तो नहीं कह सकते, उसको तो दंड ही देना होगा। तो इसलिए राष्ट्रवाद की जरूरत है कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा भी कर सके।
हम अपने संस्कृति की सुरक्षा भी कर सकें, हम अपने समाज की सुरक्षा भी कर सकें। इसलिए तो सद्गुरु कबीर आपके भीतर वो आत्मबल को जागृत करते हैं कि भगवान भरोसे मत बैठना। आज होता क्या है कि मंदिरों के सामने ही कई बार माता बहनों के साथ छेड़खानी हो जाती है, आदमी हाथ पर हाथ धरे खड़ा रहता है कि हनुमान जी आएंगे, राम जी आएंगे। अब राम जी कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हारा समय है, तुम्हें ही आना होगा, अब राम तुम्हें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। मैं अक्सर कहा करता हूं, आप लोग ध्यान देंगे, जो यूट्यूब से भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सुने होंगे, मैं कहा करता हूं कि भगत सिंह ने कहा कि ये आजादी की लड़ाई हमें ही लड़नी होगी, अब राम जी नहीं आएंगे क्योंकि राम जी तो मेरे भीतर हैं, वो क्यों आएंगे। भगत सिंह ने कहा कि आजादी की लड़ाई हमें ही लड़नी होगी, चंद्रशेखर आजाद ने कहा लड़ाई हमें ही लड़नी होगी, नेताजी सुभाष ने कहा लड़ाई हमें ही लड़नी होगी, लक्ष्मीबाई ने कहा लड़ाई हमें ही लड़नी होगी। और भगत सिंह ने तो और आगे बढ़ के कहा, खेच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, और तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई, क्यों, क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो। वो कहते हैं कि अब तो तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, इसलिए मेरे मित्रों मैं तुम्हारे हवाले इस देश को करके जा रहा हूं, अब तुम राम के भरोसे मत बैठ जाना कि कहीं पर किसी माँ बहन की स्मिता लुटी जा रही और तुम ऊपर हाथ खड़े कर दो कि प्रभु आके रक्षा करो, नहीं, अब राम तुम्हें बनना होगा, अब राम तुम्हें ही बनना है, अब तुम्हें ही समाज के प्रति जागृत होना है, अपने भीतर के रामत्व को जगाना है और सोचना है कि जिंदगी थोड़ी है, इसे राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना है। अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, औरों के लिए जिए तो और बात है, यूं तो एक ही पांव पे चला करते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो समाज राष्ट्र के लिए जीना शुरू कर दे, समझना उसका जीवन कीमती हो जाता है। आज